अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और सब भाइयों का बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम ब्रीडिंग सीज़न से पहले अपने बर्ड्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छी ब्रीडिंग के लिए, तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रीडिंग सीज़न के अंदर जो हमारी कन्फ्यूजन्स हैं या जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन देखेंगे, और कोशिश करूँगा कि आप तक वो चीज़ पहुँचा सकूँ या आपको वो चीज़ कोशिश करूँगा कि समझा सकूँ जिससे आपकी ब्रीडिंग अच्छी आए, आपके बर्ड्स की हेल्थ भी अच्छी रहे, उस पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि सिर्फ ब्रीडिंग लेना ही मकसद नहीं है, सिर्फ ज़्यादा अंडे आएँ ज़्यादा बच्चे आएँ, बल्कि जो हमारे पास जो बर्ड्स हैं जिन्होंने हमें आगे सीज़न में भी काम आना है उनकी भी हेल्थ जो है वो सही रहना लाजमी है। तो जिस तरह आप सब भाई मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते होंगे ब्रीडिंग फार्मूला के लिए, मार्केट में बहुत सी चीज़ें हैं, मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स विटामिन कैल्शियम्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह ब्रीडिंग फार्मूलाज वगैरह प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ऐसे मौजूद हैं, लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा कॉस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, और या फिर कुछ ऐसे होंगे कि जिनको समझ नहीं आती होगी, कन्फ्यूजन होगी कि हम एक्चुअली यूज़ क्या करें, मतलब प्रोडक्ट तो हैं बहुत सारे हैं लेकिन कौन सा प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए है, कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सब कन्फ्यूजन होती है हमें ब्रीडिंग सीज़न के अंदर। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप सब भाइयों को सबसे आसान और सबसे ज़्यादा जो सब अफोर्ड कर सकें सबसे ज़्यादा सस्ता, और मेन जो चीज़ है कि इस जो चीज़ मैं अभी आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगा इससे आपके बर्ड को कोई नुकसान नहीं होगा, और इंशाल्लाह ये आपके बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए, उनके एग्स के लिए, एग्स की तादाद के लिए, एग के साइज़ के लिए, बच्चों के लिए जो है वो फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। और मैं अपने बर्ड्स के लिए भी यही सब कुछ यूज़ करता हूँ जो आज मैं आपसे शेयर करूँगा, तो मैं अपने बर्ड्स के लिए जो है वो देसी मसाला यूज़ करता हूँ जो मैं ख़ुद बनाता हूँ, ठीक है, और इसके अलावा फिर मैं एक लिक्विड यूज़ करता हूँ जो सेट होता है तिलाक का, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि वो मैं देसी मसाला जो है वो कैसे बनाता हूँ, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, किस किस क्वांटिटी में शामिल हैं, उसको कैसे बनाना है, इंशाल्लाह आपको इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा होगा ब्रीडिंग सीज़न के अंदर। तो वो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ डिटेल से कि क्या क्या चीज़ें हैं कैसे हैं, वो फिर आप नोट कर लीजिएगा। अभी हमारी रूटीन क्या होती है जब बर्ड्स को हम पेयर अप करते हैं, दो बार जो है वीक में ही बर्ड्स को कोशिश करें कि पालक भी लाजमी दें, क्योंकि उससे उनकी फर्टिलिटी वगैरह और उनकी एक्टिविटी है ये भी एक किस्म की, इससे बर्ड्स एक्टिव भी रहते हैं और बर्ड के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे ब्रीडिंग के लिए फर्टिलिटी वगैरह इससे बेहतर होती है। तो वीक में दो बार पालक और दो बार जो है वो एग वगैरह, चाहे ब्रेड ब्रेड के साथ चाहे सॉफ्ट फूड के साथ लाजमी दें। अच्छा, उसके बाद ये जो मैं यूज़ करता हूँ मिलैक के प्रोडक्ट जो हैं, ये तीन चीज़ों का ये सेट है एक, तो सब इसको आपने यूज़ कैसे करना है कि इसको आपने सबसे पहले जब आपने जो पेयर जो छोड़ा है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है 10 दिन जो है एक एक दिन के गैप से ये मिलैक मल्टीवेट जो ब्लैक कलर का लिक्विड है, ठीक है, ये आपने तकरीबन 1 लीटर पानी के अंदर 2 मिलीलीटर उन बर्ड्स को सर्व करना है जो आपने नए पेयर बनाए, और साथ साथ आपने ये एग एंड फूड वगैरह और पालक वगैरह ये तो आपने साथ कंटिन्यू रखनी है। फिर जब आपका जो पेयर है वो लेइंग की तरफ आ जाए, लेइंग स्टार्ट कर दे, तो फिर आपने अगेन इसी तरह 10 दिन का पीरियड फॉलो करना है एक दिन के गैप से, मतलब एक दिन दिया एक दिन छोड़ के, ये मिलैक जो CA D3 का लिक्विड है, ये जो तकरीबन वाइट कलर वाला लिक्विड है, ये आपने उसी तरह तकरीबन 1 लीटर पानी के अंदर 2 मिलीलीटर ये अपने बर्ड्स को दे देना है, ठीक है। फिर आपने बीच में मतलब ये 8-10 दिन कुछ नहीं देना, जब एग्स की लेइंग कंप्लीट होगी फिर आपने चीज़ें देना बंद कर देनी है, ठीक है। सॉफ्ट फूड वगैरह देते रहें बट पालक भी कोशिश करें ना दें तो बेहतर है, मगर ना देते रहें तो कोई इफेक्ट नहीं बट ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल फिर जब उसको 10-12 दिन आप कुछ भी नहीं दें, जब फिर वो एचिंग के नज़दीक हो, 6-7 दिन रहते हो, 5-6-7 दिन रहते हो उस तरह, तो फिर आपने क्या करना है कि अपने बर्ड्स को ये जो मिलैक एसेंशियल है, ठीक है, जो येलो कलर का जो है लिक्विड है, ये तकरीबन 1 लीटर पानी के अंदर 2 मिलीलीटर देना है, ठीक है, इसी तरह 10 दिन फॉलो करना है, तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन इस तरह। तो अब आपने जो इस सॉफ्ट फूड के ऊपर, ठीक है, जो देसी मसाला मैंने आपको पहले बताया था वो यूज़ करना है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, ठीक है, वो अपने बर्ड्स को इस तरह जब वीक में आप दो बार जो देंगे एग एंड सॉफ्ट फूड या एग एंड ब्रेड देंगे तो उसके ऊपर बस आपने 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे, ठीक है, बाकी इसके अलावा और आपने कुछ भी यूज़ नहीं करना है। अब ये जो देसी मसाला है इसके अंदर जो जो चीज़ें जो हैं वो जिस तरह जिस मकदार में शामिल है वो सब मैं आपको बताता हूँ, आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले जो है वो लहसुन तकरीबन 50 ग्राम, उसके बाद अदरक तकरीबन 50 ग्राम, उसके बाद हल्दी तकरीबन 30-40 ग्राम, उसके बाद नमक, नमक अगर काला नमक हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप जो घर में हम यूज़ करते हैं नमक वो भी यूज़ कर सकते हैं तकरीबन 20-30 ग्राम। उसके बाद जो है ज़ीरा,
वो तकरीबन 30 to 40 ग्राम, उसके बाद सौंफ तकरीबन 30 to 40 ग्राम, उसके बाद जो इलायची होती है बड़ी इलायची जो मसाले वगैरह के अंदर हम घर में यूज़ करते हैं वो तकरीबन 30 to 40 ग्राम, उसके बाद कटल बोन फिश वो तकरीबन 50 to 60 ग्राम, ठीक है, और अलसी तकरीबन 30 to 40 ग्राम, उसके बाद मेथी, मेथी दाना जो होता है वो तकरीबन 30 to 40 ग्राम, उसके बाद मोरिंगा ठीक है वो तकरीबन 60 to 70 ग्राम, उसके बाद ग्रिड, ग्रिड आप किसी भी प्रोडक्ट के यूज़ कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, वो तकरीबन 30 to 40 ग्राम, उसके बाद जो है वो अंडों का ये जो छिलके होते हैं ठीक है ये इनको आपने वॉश करके ड्राई करके उसका पाउडर करके तकरीबन 60 to 70 ग्राम, ये सब चीज़ें आपने क्या करना है कि ड्राई करके तो पाउडर फॉर्म में जो है मिक्स कर लेना है और किसी जार या बर्तन में आप किसी ने भी उसको सेव करके रख सकते हैं ठीक है। तो इनशाला ये जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई है देसी मसाला जो ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इसमें कुछ चीज़ें जो वो आपके बर्ड के आज़मे के लिए ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ है मैदा, जब बर्ड का ठीक रहता है तो बर्ड एक्टिव भी रहेगा, और कुछ चीज़ें जो हैं वो बर्ड्स की जो है वो स्ट्रक्चर के लिए, बोन्स वगैरह के लिए हैं ठीक है, और कुछ चीज़ें इसमें जो है आपके बर्ड्स की जो है वो फर्टिलिटी वगैरह के लिए हैं, तो ये सब चीज़ों का मिक्सचर है, और ये चीज़ जो है ख़ासतौर पर रेड आई बर्ड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, सब बर्ड्स के लिए, ब्लैक आई रेड आई दोनों के लिए, बट रेड आई के लिए क्योंकि पहले तो उनके जो रेड आई हमारे पेयर्स होते हैं चाहे अल्बाइनो हो गया पेल पेल हो गया, उनके इनफर्टिलिटी उनमें काफ़ी ज़्यादा होती है, फिर उनमें जो है वो डेड इन शेल काफ़ी ज़्यादा होता है, या फिर अगर वो चिक्स निकलती हुई तो वो इतने अच्छे साइज़ के नहीं होते, तो उसके लिए भी ये आपको चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, और बाकी इंशाल्लाह रेड आई की जो पेयरिंग्स हैं या अच्छे रिजल्ट के लिए या अच्छी क्वालिटी के लिए चिक्स को जो है वो सर्वाइव कराना, उनकी ब्रीडिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या यूज़ करना है या कैसे यूज़ करना है, ताकि आपके पास जो है वो रेड आई की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो, वो अच्छी हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर इसलिए कहता हूँ बार बार आपसे कि वीडियो को शेयर इसलिए किया करें ताकि आपकी वजह से किसी और भाई को जो है वो फ़ायदा हो सके, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।